दोस्तों पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी की बाइक भी आ गई है। बजाज वाले ये बाइक लेकर आए हैं और इसके बारे में आपको डिटेल में मैं कुछ जानकारी देता हूं, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आखिर ये है क्या चीज। चूंकि मार्केट में आने वाली ये दुनिया की पहली अपनी तरह की बाइक होगी जिसमें ज्यादा माइलेज आपको मिलेगी। सबसे पहले बात करें शानदार बाइक के इंजन की, तो इसमें आपको तगड़ा 125 सीसी का पावरफुल इंजन दिया जा रहा है, जिसमें आपको 2 लीटर का सीएनजी सिलेंडर भी मिलेगा। 125 सीसी के इंजन के साथ आपको 5 पीएस की पावर और 15.27 एमएम का टॉर्क भी मिलने वाला है, और 2 लीटर का पेट्रोल टैंक भी होगा जो कि शानदार माइलेज के साथ दिया जा रहा है। इसके अलावा 11 सेफ्टी फीचर्स के साथ ये बाइक टेस्ट की गई है, जिसके क्रैश टेस्ट और तमाम जो भी रोड पे आवश्यकता होती है वो सभी टेस्ट किए गए हैं। अगर बात की जाए इस बाइक की कीमत की, तो ये 95,000 रुपए से मात्र शुरू होने वाली बाइक है। और आपको बता दें कि इस बाइक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो इसका पावर, इसका एवरेज और इसकी कीमत है। जी हाँ, अमूमन मीडियोकर इंडियन जो है वो 125 सीसी 100 सीसी की बाइक ही चलाना पसंद करता है। जो ये जो बाइक आई है सीएनजी में, ये एक तरह का ड्रास्टिक चेंज है, एक बहुत बड़ा ये क्रांति कह सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि पल्सर बनाई है इस बाइक ने, बजाज पल्सर। बजाज की बाइक्स तो शानदार रहती है, और अब ऐसे में पावर में कोई कमी रहेगी नहीं, पावर की तो पूरी गारंटी है। इंजन भी भरोसेमंद रहेगा, इस बात की भी गारंटी, और खुद इस कंपनी के ओनर्स ने इस बारे में दावा किया है कि वो खुद इस बाइक को टेस्ट कर चुके हैं। और हालांकि प्लैटिना जैसी माइलेज देने वाली बाइक बनाने वाली कंपनी की बाइक में माइलेज की कमी तो होनी भी नहीं चाहिए, तो हम सभी जानते हैं। और इस बारे में बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि आखिर ये बाइक और क्या कुछ करने वाली है। इसके साथ ही ये भी मैं आपको बता दूं कि इस बाइक ने लॉन्च के साथ ही बुकिंग के मामले में भी तहलका मचाया हुआ है, और इस बाइक के मार्केट में आने के साथ ही जो बाइकर्स हैं उनकी पहली पसंद ये बन गई है। अब बाइकर्स जो लॉन्ग रूट पर जाते हैं ना, उन बाइकर्स की बात नहीं कर रहा, जो सिटी रन करते हैं, जो ऑफिस जाने के लिए बाइक्स का यूज करते हैं, टू व्हीलर्स का यूज करते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे जो स्टेट हैं, बेंगलुरु जैसे, जहां पर ट्रैफिक की बहुत दिक्कत होती है, वहां पर आप फोर व्हीलर लेकर निकले तो बहुत जाम की समस्या से जूझना पड़ता है, और ट्रैफिक में आपका फ्यूल भी बहुत जल जाता है। तो ऐसे में सीएनजी की ये बाइक काफी ज्यादा कन्वीनियंट आपको होने वाली है। 65 किलोमीटर का इसमें एवरेज भी दिया हुआ है, और इस बाइक के आने के बाद क्या सीएनजी सेगमेंट बाइक एक बार फिर से मार्केट में देखने को मिलेगी अलग तरह की बाइक्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने के बाद हमने नई नई तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखे, हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लंबी रेंज वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और हल्के लाइट वेट वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हमने देखे, हाई पावर स्पीड वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमने देखे। अब इसमें बताया ये जा रहा है कि जो सिलेंडर है वो लगभग 12 या 13 किलो के आसपास का होगा, क्योंकि सीएनजी डलने के बाद ये 16 से 18 किलो तक का इसका पूरा वजन हो जाता है, और 2 लीटर पेट्रोल के साथ ये बाइक चलती है। अगर आप पूरी तरह से सीएनजी खत्म होने के बाद पेट्रोल मोड पर इसे चलाएंगे तो ये 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप इसे चलाएंगे तो आपको 65 का ही ये एवरेज देने वाली है, और सीएनजी और पेट्रोल दोनों का मिला करके लगभग 330 का ये रेंज देने वाली है आपको। अब सिटी रन के लिए तो ये बहुत ही शानदार है, और साथ ही साथ आपको आसपास के स्टेट्स में भी घूमने का मौका मिल सकता है। एक बार टैंक फ्यूल और सीएनजी फ्यूल दोनों आप फुल कराइए, उसके बाद आप आसपास के स्टेट्स घूम सकते हैं। अगर फर्ज कीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो आप देहरादून तक जा सकते हैं, मसूरी तक जा सकते हैं, हरिद्वार तक जा सकते हैं, ऋषिकेश तक जा सकते हैं। तो इसी तरह से ये एक एग्जांपल मैंने दिया, आप जहां भी रहते हैं, आप अपने आसपास ऐसे कहीं घूमने फिरने की जगह हो तो कम खर्चे में आप इस बाइक से जा सकते हैं। और ये बाइक कई तरह के फीचर्स अभी और इसमें आने वाले हैं, कई कई अलग अलग मॉडल्स आने वाले हैं, जिसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। डिटेल्स में ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपने इस बाइक एक्सपीरियंस को थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, बाइकिंग के एक्सपीरियंस को शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि मेरे पास जो बाइक है वो भी 125 सीसी बाइक है, और इस बाइक को यूज करने का मकसद जो है वो अच्छी माइलेज है, क्योंकि रोज ऑफिस आने जाने के लिए फोर व्हीलर लेकर के निकलना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, और ऐसे में बाइक जो है 125 सीसी की बाइक आपको अच्छा माइलेज दे सकती है। इसके लिए अच्छा विकल्प ये सीएनजी बाइक बन रही है, और कई तरह की अभी इसमें और खूबियां हैं, जिसके लिए और डिटेल में मैं जाकर इस बाइक को खुद एक्सपीरियंस करके कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक अच्छा फीडबैक वीडियो बनाऊं। हालांकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस ये आपकी नॉलेज के लिए इस बाइक के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो मैंने इसके शोरूम से और इसके जानने वालों से और कुछ इंटरनेट पर पढ़कर जो हासिल की थी वो मैंने आपके साथ साझा किया। लेकिन इस वीडियो के बारे में और इस बाइक के बारे में अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें जरूर